और उम्र भले ही छोटी हो हमारे कारनामे बड़े हैं। कि उम्र भले ही छोटी हो हमारे कारनामे बड़े हैं और हमसे गद्दारी करने वाले। तो गाइस आज के सॉरी वीडियो में कुछ ऐसी गालियों को आपको करने वाला हूँ जिन गालियों को सुनने के लिए यार तुम लोगों के क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। जिसे कहते हैं एयरफोन, तो प्लीज अपनी जेब से एयरफोन निकाल लो भाई साहब, वीडियो को पूरी आंतर देख लेना क्योंकि इस वीडियो में भाई बहुत बहुत ज्यादा कुछ मैं बताने वाला हूँ कि स्कैमर की गाड़ी कैसे फाड़ सकते हो भाई साहब, खासकर ऐसे स्कैमरों की जो कि 10 साल और 11 साल की उम्र के होते हैं, पर इन मोस्टली वालों को भाई स्कैम करने हैं 20 से 25 हजार तक के स्कैम। अब अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तुम लोगों की उम्र 15 16 17 साल है तो भाई तुम्हें अगर कोई मौका मिले ना भाई 20 25 हजार का स्कैम करने के लिए तो भाई तुम उस स्कैम को करने से पहले एक बार सोचोगे कि भाई मेरे पे पुलिस केस कर सकता है या फिर साइबर क्राइम कुछ भी। भाई तुम लोग की थोड़ी सी कंड फटनी फटनी है, पर ये पोस्टर वाले पता नहीं भाई कहने को इनके 10 साल उम्र है पर इनमें इतना जिगर कहां से आ जाता है, पर जिगर तो आ जाता है, फिर जिगर आने के बाद इनकी कुछ ऐसी गांड फटती है, ऐसी गांड फटती है अगर ये गलत बंदे साथ स्कैम करते हैं तो भाई गांड फटने बाद ही फिर वापस कॉल करके बोलते हैं माफ कर दो या जो कर दो लेकिन छोड़ दो यार। भाई देखो अगर तुम लोगों के साथ भी कोई ऐसे ऐसे नंदसिंह मुखे बंदे भाई स्कैम करते हैं जिनके एड्स कहने को अभी बिल्कुल पैदा होकर निकले भी नहीं है ऐसे, अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसे ऐसे पोस्टर वाले स्कैम करते हैं तो मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई तुम उनका इलाज कैसे कर सकते हो। बाकी मैं इन लोगों के अगर कुछ सवाल बताऊं तो भाई इनके माँ बाप इन्हें सिर्फ घर से पैदा करके छोड़ देते हैं, एक दो साल की उम्र में किचा भोसड़ गया, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, तू गांड मरवा के लाया कुछ भी करवा के लाया बस हमें पैसा चाहिए। और यार अफसोस की बात तो यह है पता नहीं भोसड़ वाले पढ़ते कौन से स्कूल में, इनका टीचर है कौन कि भाई इतनी नॉलेज हमको भी नहीं है कि भाई 5,000 सब्सक्राइबर ले बैठे हैं ये लोग और भाई टेलीग्राम पे मतलब क्या ही बताए बहुत चर्चा है, मतलब यार इतनी सी आज में इतनी ऊंची ना भाई साहब कहते एकदम लेजेंड लौंडे हैं, पर इन लेजेंड लौंडों की गांड भी सबसे जल्दी फटती है। बाकी तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तुम किसी भी स्कैमर की गांड कैसे फाड़ सकते हो भाई, चाहे वो कुछ भी हो भाई, उसका 1,00,000 सब्सक्राइबर हो, 2,00,000 सब्सक्राइबर हो, 1,000,000 सब्सक्राइबर हो, अगर वो स्कैम तुम्हारे साथ करता है तो भाई तुम उसकी गांड बहुत इजीली फाड़ सकते हो। वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे फाड़ सकते हो और मेरे बंदे ने इसकी कैसे इस तरह गांड फाड़ी, किसने खुद फोन करके कहा कि भाई मेरी गलती हो गई मुझे माफ कर दे, मतलब इसने तो निकाह इसका दोस्त था वो तो कर नहीं सकता था बहुत सीटे का, उसकी तो कुछ इज्जत ही नहीं बची थी। बाकी अगर तुम लोग इन्हें गाली दोगे कुछ भी करोगे अगर तुम्हारे साथ स्कैम करते हो तो मेरे कितनी भी गाली दे लो भाई कितना भी कुछ कह लो पर इन बॉस वालों की कोई इज्जत नहीं है कुछ नहीं है भाई, संसार में इन्हें भी ये इस बात का इन्हें खुद भी पता है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है भाई, तो गाली से इन पे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तुम इन्हें धमकी भी दोगे तो भी भाई ये बंदे सिर्फ यही बोलते हैं कि क्या कर ले तेरे से जो हो तो कर ले तू पुखाड़ ले जो खाड़ना है, फिर इतनी बात नहीं बोलेंगे डायरेक्ट ब्लॉक मार देंगे क्योंकि थोड़ी तो गांड इनकी भी फटती है भाई, पुलिस से ऐसे नहीं है इनकी बिल्कुल नहीं फटती, थोड़ी तो इनकी भी फटती है। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ भाई इस बंद में क्या क्या है, तो भाई पहले तो बता दूं कि इस बंद का एक यूट्यूब चैनल है भाई जो इसने पूरा का पूरा हैक वैक और कॉन्फ्लिक्ट के साथ प्रमोट किया है, मतलब टोटली बंदा 2 नंबर का काम करता है भाई, 2 नंबर तुम जो समझने वाले समझ गए होंगे व्हाट इज 2 नंबर, तो भाई टोटली 2 नंबर से अपना जो है ग्रो किया है इसने हैक प्रमोट वगैरह वगैरह, और भाई बंदों को वहां से बोलता है कि भाई पैड कॉन्फ्लिक ले लो मेरे से आके, बंदे इससे पैड कॉन्फ्लिक लेने के लिए जाते हैं और भाई साहब कर देता है उनके साथ गंदा गंदा स्कैम। तो ऐसे ही मेरा एक बंदा गया था उसके ऑलरेडी 50,000 सब्सक्राइबर है चैनल पे, तो ऐसे ही वो बंदा गया था उसने इसके साथ स्कैम कर दिया था भाई 20-25 हजार का स्कैम, तो उस बंदे ने आके मुझसे कहा, फिर मैंने उसे ऐसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज सी बताई, बाकी उसने अपने कुछ दोस्तों से कहा कि इसकी भाई चाहे गांड मार दो ऐसे मार दो, तो भाई उसके दोस्तों ने तुम लोग स्क्रीनशॉट देखते तो भाई कितनी गंदी करके मारी, पर ये मैंने बताया नहीं भोसड़ के ठहरे बेशरम भाई ये नहीं मानेंगे, तुम इन्हें कुछ भी कह लो कितनी भी गाली दे लो। तो भाई इनका एक लास्ट वही बचा जो कि सबसे पहले मैंने वीडियो में तुम्हें बताया है, तो जिसने वीडियो नहीं देखी वीडियो देख लो, और भाई जिसके साथ भी बंदे स्कैम करे एक बार अपने भाई के साथ कॉन्टेक्ट कर लेना, आगे उस बंदे गांड हम मार देंगे और भाई तुम्हारा जो पैसा हो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारा पैसा वापस आ जाए। तो आगे तुम लोग समझ गए होंगे कि मैं मतलब उस बंदे ने क्या करा होगा इसके साथ जो इसने आके ऐसी ऐसी बात कही, फिलहाल के लिए तुम रिकॉर्डिंग सुन सकते हो कि इसने क्या क्या बात कही। देखो भाई हमको तुमसे दुश्मनी नहीं करना है ठीक है, लेकिन बात यह है कि जितना जल्दी हो मेरे दोस्त को छोड़ो, तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूं मैं अब, हेलो माफ कर दो या जो कर दो लेकिन छोड़ दो यार, नाम क्या था बुरा लगता है यार तुम्हारे दोस्त को, मतलब बहुत अच्छा दोस्त हो उसको तुम ऐसा ट्रोल करते हो तो यार हमेशा गाली दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई वो तो मैं उसकी औकात दिखा रहा हूँ, सुनो वो तो मैं उसकी औकात दिखा रहा हूँ जो वो कॉल में कह रहा है मेरे को ऐसा, अब क्या दिक्कत है बताओ, पुलिस केस भी कर दिया ना भाई, हम बोल रहे ना यार प्लीज सॉरी बोल रहे यार प्लीज छोड़ दो यार उसको, प्लीज छोड़ दो यार अच्छा नहीं लगता है भाई। अच्छा अच्छा नहीं लगता है, नाम क्या था तुम्हारा वैसे, जितना पैसा होगा ना 400 बोलोगे जो स्टिकर का खर्चा भी होगा बोलोगे तो हम दे देंगे। भाई पैसों वाली बात ही नहीं की ना मैंने, पैसे तो चाहिए नहीं मैं भाई, मेरे को पैसे चाहिए होते हैं मैं कंट्रोवर्सी करता ही नहीं ना कभी उसके साथ भाई, भाई प्लीज छोड़ो यार मत करो ना। अरे भाई साहब चलो देखते हैं हम।
और अगर किसी को भाई कुछ ज्यादा ही नॉलेज चाहिए इस बंदे के बारे में कि भाई क्या क्या बात होती है, तुम एक बार भाई का नंबर देख सकते हो, ये मैंने भाई का नंबर लिख रखा है जिसके साथ इसने स्कैम किया, तुम्हें एक बार से ज्यादा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसे वीडियो फैंक पे कुछ भी इस वीडियो में डाउट लग रहा है तो एक बार भाई से ज्यादा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तुम्हें एक एक प्रूफ दिखा देगा कि भाई उसने इसके साथ कैसे स्कैम किया और भाई फिर इसने उसकी डांड कैसे मारी, मतलब स्कैमर तो साथ उल्टा स्कैम कर दिया, तो एक बार जाकर तुम उससे पूछ सकते हो, जिसके साथ भी स्कैम हो भाई भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो तुम, मात चौदह एकदम स्कैमर की, ठीक है ना। मुझे पता है मैंने बहुत गाली दे दी पर इन जैसे के लिए ही गाली की वीडियो ही सही है। तो अगर तुम लोग भी चाहते हो कि जो बंदा तुम्हारे साथ स्कैम करो भाई फिर बाद में आके यही बोले कि भाई मेरी गांड मार ले पर मुझे छोड़ दे, तो भाई साहब अपने भाई से एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना, और जो मैंने उससे पहली वीडियो में तुम लोग को बताया है भाई उसमें तुम्हारा खर्चा होगा ही होगा, पर ऐसे स्कैमर की भाई यही गांड फाड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, और भाई अब अगले 10 स्कैमर जो भी स्कैमर इस वीडियो को देखेगा वो सीधा अगली बार 10 बार सोचेगा कोई स्कैम करने से पहले, चाहे फिर 100 रुपए का स्कैम क्यों ना हो, 50 रुपए का स्कैम क्यों ना हो भाई, वो अगली बार 10 बार सोचेगा कि मुझे स्कैम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बंदे गांड फटते हैं ना तो भाई इनकी जमीन खिसक जाती है, और जब खिसक जाती है तो इनकी मां छूट जाती है। बाकी तुम समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो चलो यार आई होप तुम लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम स्कैमर को कैसे लैस कर सकते हो। दो उसके दो रास्ते हैं, एक तो अपने भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो तुम अगर तुम्हारे साथ कोई स्कैम करता है, दूसरी बात कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी है, और दूसरी बात मैंने तुम्हें पहली वीडियो में जो बताया था लास्ट में भाई यही दो तरीके हैं जिससे तुम इसके हमारे गांड मार सकते हो, अगर और कोई भी तरीका तो मुझे आके बता दो, DM PM कर दो यार, और क्या ऐसा हमें मारने में मजा आता है भाई, स्कैमरों के साथ स्कैम करने में उल्टा मजा आता है, क्योंकि स्कैम 1992 तो स्कैम फैन है यार, तुम समझ सकते हो यार। चलो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू टेक केयर, तुम्हारे साथ कोई स्कैम करो उसकी वापस गांड मार देना, जैसे मतलब मेरे पास आ जाना मैं मार दूंगा, मेरा बहुत बड़ा है दिल। ओके मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, बाय टाटा सी यू टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ वगैरह वगैरह।